हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, होप अभी तक हमारी जो पाइथन सीरीज चल रही है उसमें जितने भी लेक्चर्स आए हैं आपको सारे लेक्चर्स क्लियर हैं। जो भी स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं किसी को 1% का भी डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट में डाल दिया करो मेरी पर्टिकुलर वीडियो पर, मैं उस डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगा आपके लिए। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में व्हाइल लूप को कवर किया था, व्हाइल लूप के थोड़े बहुत क्वेश्चंस कवर करे थे। आज के लेक्चर में हम लोग पाइथन की जंप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। टोटल तीन तरीके की जंप स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। तीनों का भी अलग अलग काम है, ब्रेक का अलग काम है, कंटिन्यू का अलग काम है और पास का अलग काम है। हम तीनों को आज के लेक्चर में देखेंगे कैसे वर्किंग है, इसको हम थ्योरेटिकली भी समझेंगे और फिर कोडिंग से एक एग्जांपल से भी समझेंगे कि ये तीनों कैसे चलती हैं और कब कौन सी स्टेटमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस सीरीज़ को, पाइथन सीरीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो आप शेयर कर दो ताकि उनको भी पाइथन सीरीज़ सीखने में हेल्प मिले। मैं इसको एकदम बेसिक से लेके एकदम एंड तक लेके चलूँगा इस सीरीज़ को, मतलब काफ़ी सारे लेक्चर्स आएंगे, काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करूँगा। कोशिश करूँगा कि पाइथन में एक कॉलेज बीटेक लेवल के स्टूडेंट्स को जितनी नीड है पाइथन को जानने की उतना मैं इस सीरीज़ में कवर करा सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आज के लेक्चर पर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ जंप स्टेटमेंट्स को कंटिन्यू करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आ गए हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। सबसे पहले तो आज हम अपनी हेडिंग डाल लेते हैं, जो हमारी हेडिंग है दैट इज जंप स्टेटमेंट्स इन पाइथन। आज हमें जंप स्टेटमेंट्स पढ़नी है पाइथन की। अब स्टूडेंट्स मैं ना जंप स्टेटमेंट्स आपको इतने ईजी मेथड से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको जंप स्टेटमेंट्स का हमेशा के लिए डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले तो जान लो कि कितने तरीके की जंप स्टेटमेंट्स होती हैं, फिर मैं इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जंप स्टेटमेंट में लिखो, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट्स इन पाइथन। पहली का नाम है ब्रेक स्टेटमेंट, दूसरी का नाम है कंटिन्यू एंड थर्ड पास स्टेटमेंट। अब एक एक करके हम तीनों का काम समझेंगे कि ये कैसे चलती हैं। तो भाई पहली स्टेटमेंट है हमारी ब्रेक स्टेटमेंट। अब समझो कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, पहले तो थ्योरी लिख लेते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इज अ जंप स्टेटमेंट। द ब्रेक स्टेटमेंट इज अ जंप स्टेटमेंट that skips over a part of code by forcing the termination of a loop। या आप इसे ऐसे भी जान सकते हो, एक और डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो भाई पाइथन में जो ब्रेक स्टेटमेंट है, द ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन is used to terminate a loop। ठीक, अब ब्रेक स्टेटमेंट की थ्योरी तो हमें ये कह रही है कि भाई ब्रेक स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका काम होता है लूप को टर्मिनेट कर देना बीच में ही। जैसे लूप, अगर मैं एक लूप 10 times चला रहा हूँ तो 10 times लूप चलाता हूँ तो वो 10 बार चलता है और उससे पहले वो नहीं रुकता, मगर आप लूप को बीच में ही कहीं रोकना चाह रहे हो, मतलब तीसरे नंबर पे आके रुक जाए, तो अब मतलब फोर्सफुली रोकना चाह रहे हो। वैसे तो वो खुद से तो रुकेगा नहीं ना, तो फोर्सफुली रोकना चाह रहे हो तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हो। ठीक है, कैसे? पहले मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से ब्रेक स्टेटमेंट की वर्किंग बताता हूँ, फिर कोड से जब बताऊंगा ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ब्रेक को समझना, बहुत ईजी। पहले तो आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल समझो कि ब्रेक का क्या है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। भाई मान लो आप एक रेस में पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, वो 1 किलोमीटर की रेस है या आप ये कह लो आधे किलोमीटर की रेस है या कितने भी एक डिस्टेंस रख लो, 1600 मीटर, 1.5 किलोमीटर, कोई भी इतने किलोमीटर की वो रेस है और उस रेस में थोड़ी थोड़ी दूरी पे हर्डल्स लगे हैं जिसको आपको जंप करते हुए रेस को क्रॉस करना है। ठीक है, आप एक एंड से शुरू हो गए
रेस की स्टार्टिंग पॉइंट से रेस की एंडिंग पॉइंट पे खत्म करोगे, और बीच में जो हर्डल्स लगे हैं, जब भी वो हर्डल आएगा आपको उसको जंप करना है, ठीक है? तो रूल ये है रेस का कि आप जितने हर्डल जंप करोगे उतने पॉइंट आपके पास जुड़ते जाएंगे, और अगर गलती से आपने एक हर्डल भी टच करके, जंप करते वक्त टच करके गिरा दिया, तो आप उसी टाइम रेस से बाहर हो जाओगे, आप डिस्क्वालिफाई हो जाओगे, रेस वहीं खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। सेम केस ब्रेक का है भाई, लूप चलता रहता है। अगर एक लूप 10 बार चल रहा है, बिल्कुल चलेगा वो 10 टाइम्स, अगर उस लूप के अंदर ब्रेक ना पढ़ा जाए तो। मगर जैसे ही ब्रेक पढ़ लिया जाएगा, अगर पहली बार में ही ब्रेक पड़ गया ना, मतलब लूप पहली बार चला और पहली बार में ही ब्रेक मिल गया उसे, तो उसी टाइम वो लूप बंद हो जाएगा, चाहे वो लूप 100 टाइम्स ही क्यों ना चल रहा हो। जैसे हम रेस में, जैसे अगर आप पहले हर्डल से टच हो जाओगे तो हर्डल गिर गया पहला, तो आप उसी टाइम रेस से बाहर हो जाओगे। सेम केस इधर है कि अगर आपका पहली बार में ही लूप ने ब्रेक पढ़ लिया, जब लूप पहली बार चलाए तभी ब्रेक पढ़ लिया, तो उसी टाइम आपका लूप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कैसे, मैं आपको इसको कोडिंग एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कोडिंग एग्जाम्पल से ये टॉपिक बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। पहले तो ये समझो कि मैंने जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दिया है वो आपको क्लियर है कि नहीं, ठीक है? रेस में जहां आपने हर्डल गिराया उसी टाइम बाहर। तो अब मैं इसे कोडिंग एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो भाई, कोडिंग एग्जाम्पल करने के लिए मैं सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, और प्रिंट में मैं लिखता हूँ द वर्किंग ऑफ ब्रेक इज, ठीक है? और उसके बाद एक लूप चलाता हूँ फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, इसको चला रहा हूँ 1 से लेके 11 तक। तो आपको पता है कि ये 1 से लेके चलेगा कहाँ तक, 10 तक, और इसमें आके मैं सिंपली एक प्रिंट करता हूँ आई। तो भाई जिन बच्चों ने मेरे लूप्स वाला लेक्चर देखा हुआ है उनको ये कोड बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा कि ये लूप कोड करेगा क्या, कि भाई ये पहले मुझे आउटपुट स्क्रीन पर लिख के देगा द वर्किंग ऑफ ब्रेक इज, और फिर 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करा देगा, ठीक है? हम एक बार इसको चला के भी देख लेते हैं कि ये ऐसा ही कर भी रहा है कि नहीं। कोड को रन करने के बाद स्टूडेंट्स आप लोग देखते हो कि जैसा मैंने आपको आउटपुट बताया था बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं। देखो द वर्किंग ऑफ ब्रेक इज, और 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं। मगर सर आपने तो इसमें ब्रेक का यूज कहीं किया ही नहीं। बिल्कुल भाई, अब मैं ब्रेक का यूज करूंगा, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, ये प्रिंट यहाँ से हटा देता हूँ, और इस आई लूप में आके मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि इफ जैसे ही आई की वैल्यू 3 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे देगी, जैसे ही आई की वैल्यू 3 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे देगी, तो लूप को ब्रेक कर देना, वरना एल्स अगर नहीं देगी 3 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0, तो प्रिंट करते चलना आई को, मतलब तब तक प्रिंट आई होता रहे। और ये बात दिखाने के लिए कि ब्रेक होने के बाद कोड लूप से बाहर आ जाता है, मैं लूप से बाहर आके ना अपना नाम प्रिंट कर देता हूँ। तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि जब तक ब्रेक नहीं पढ़ा जाता तब तक तो मेरा लूप चलता रहेगा, जैसे ही ब्रेक पढ़ लिया जाएगा तो वो लूप से बाहर निकलेगा और मेरा नाम प्रिंट करा देगा। कैसे, देखो भाई मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आई की वैल्यू सबसे पहले पहले तो ये लिखा हुआ आएगा आउटपुट स्क्रीन पे, द वर्किंग ऑफ ब्रेक इज आ गया, ठीक है? उसके बाद सर आई की वैल्यू सबसे पहले 1 बनेगी, बन गई। क्या 1 3 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है? नहीं देता। तो इफ नहीं चलता तो कौन चलता है? एल्स। ये मैंने इफ एल्स के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, और एल्स चलेगा तो प्रिंट हो रहा है आई, आई की वैल्यू इस टाइम पे 1 है, 1 प्रिंट हो गया। लूप वापस यहीं से आइटरेट घूम जाएगा, वापस आई की वैल्यू 1 से 2 बनेगी। क्या 2 3 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है? भाई नहीं, अभी भी नहीं देता। तो इफ नहीं चला तो एल्स, प्रिंट हो गया 2। फिर लूप वापस घूमेगा, आई की वैल्यू 3 बनेगी, और 3 बनते ही आप देखते हो कि वो ब्रेक पढ़ लेता है। क्यों? क्योंकि 3 3 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे देता है, और 3 3 से डिवाइड होकर जैसे ही रिमाइंडर 0 देगा तो वो लूप ब्रेक पड़ेगा। ब्रेक पड़ते मैंने क्या बोला आपको, लूप डिस्ट्रॉय हो जाता है, लूप से बाहर निकल आते हो आप, और बाहर निकलते ही प्रिंट हो जाएगा भाई प्रिंट, ठीक है? अब मैं आपको आउटपुट रन करके दिखाता हूँ। तो मेरे हिसाब से आउटपुट आना चाहिए द वर्किंग ऑफ ब्रेक इज, पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, 3 आते ही ब्रेक हो जाएगा, तो हम प्रिंट्स प्रिंट कर देंगे। तो मतलब द वर्किंग ऑफ ब्रेक इज 1 2 प्रिंट्स। आउटपुट रन करके देखते हैं जरा। सेव किया, कोड को रन किया, ये देख लो भाई द वर्किंग ऑफ ब्रेक इज 1 2 प्रिंट्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई 3 आते ही हमारे लूप ने ब्रेक पढ़ लिया, और ब्रेक पढ़ते ही मैंने आपको बताया लूप बंद हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, वो कितनी आगे ये 100 टाइम्स भी क्यों ना चल रहा होता स्टूडेंट्स।
जैसे ही ब्रेक पड़ता है उसी टाइम लूप डिस्ट्रॉय, उसके बाद कितनी बार चलेगा हमें उससे मैटर नहीं करता। क्लियर हुई बात सभी को, ब्रेक स्टेटमेंट क्लियर हुई। तो ये था आपका ब्रेक का किस्सा। अब ब्रेक का एक जगह यूज और है स्टूडेंट्स, क्या यूज है? आप अगर एक लूप को इनफाइनाइट बनाते हो, तो इनफाइनाइट का मतलब तो सभी को पता है ना कि भाई कोई चीज ऐसी जो कभी रुके ही ना, तो भी उसे रोकने के लिए आपको ब्रेक की जरूरत पड़ेगी। भाई कैसे, मैं आपको एक इनफाइनाइट का भी एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर इसके बाद हम कंटिन्यू पे चलते हैं। मैं इसे हटाता हूँ, कमेंट करता हूँ सॉरी, और कमेंट करने के बाद मैं इधर ना एक इनफाइनाइट लूप का कोड बनाता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इनफाइनाइट लूप वर्किंग इज। ठीक है, अब इनफाइनाइट लूप बनाने के लिए करता क्या हूँ भाई, वाइल लूप लगाता हूँ और वाइल के आगे सिंपल ट्रू लिख देता हूँ। ट्रू क्यों? मैंने आपको वाइल लूप जब पढ़ाया हुआ है तो बताया था कि उसकी कंडीशन जब ट्रू होती है तब तक वो लूप चलता रहता है, तो मैंने तो यहाँ तो वाइल के सामने उसकी कंडीशन के सामने पहले ही ट्रू लिख दिया, वो तो परमानेंटली ट्रू हो गया, और परमानेंटली ट्रू हो गया तो वो कभी रुकेगा ही नहीं और प्रिंट करता जाएगा प्रिंट्स को, तो मेरा जो नाम है भाई वो इनफाइनाइट चलता ही रहेगा। मैं आपको पहले इस लूप को चला के दिखाता हूँ, इनफाइनाइट लूप को चला के दिखाता हूँ। ये देखो भाई लूप चल चुका है और मेरा नाम रुक नहीं रहा, ये देखो चलता ही जा रहा है, प्रिंट होता ही जा रहा है, कितना भी कर लूं मैं रुकेगा नहीं है, ये प्रिंट होता ही जाएगा होता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि लूप ही इनफाइनाइट है, रुक कैसे सकता है, नहीं रुकेगा ये। ठीक, तो मुझे यहीं से अपने टर्मिनल को बंद करना पड़ेगा। अब मैं आपको इनफाइनाइट लूप को रोक के दिखाता हूँ कि कैसे इनफाइनाइट लूप रुकता है। इनफाइनाइट लूप रोकने के लिए मैं एक काम करता हूँ, कोड में एक आई नाम का वेरिएबल बना देता हूँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 के साथ। ठीक है, एक कंडीशन लगाता हूँ, जब तक आई लेस देन इक्वल्स टू, मतलब कम 5 या 5 से कम, या लेस देन लगता हूँ, इक्वल्स टू का केस हटाता हूँ, जब तक आई की वैल्यू 5 से कम रहेगी तब तक तो प्रिंट होता जाए, प्रिंट होता जाए क्या मेरा नाम, वरना जैसे ही वो 5 से ज्यादा होता है, जैसे ही वो 5 से ज्यादा होता है तो उसी टाइम ब्रेक हो जाए। जैसे ही 5 से ज्यादा होगा उसी टाइम ब्रेक हो जाए, और हर बार मैं आई को लूप में आके +1 कर देता हूँ, प्लस इज इक्वल्स टू 1, और इससे बाहर आके प्रिंट, मैं काम करता हूँ एक दूसरा नाम लिख देता हूँ कार्तिक, ताकि आपको पता लगे कि ब्रेक होते ही वो कार्तिक नाम पे आ गया है। तो भाई आपको पता है आपका लूप जीरो, वो 0 से शुरू हो रहा है और लेस देन 5 तक चलेगा, और हर बार एक बढ़ रहा है तो टोटल 5 टाइम्स चलेगा, तो मेरा नाम 5 बार आना चाहिए और फिर कार्तिक आना चाहिए। रन करके दिखाता हूँ, देखो ये देखो भाई 5 बार प्रिंस आया और फिर कार्तिक आके लूप बंद। अब सर ये लूप भी तो इनफाइनाइट था, ये कैसे रुक गया? पिछला तो रुक ही नहीं रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पे भी तो वाइल ट्रू ही लिखा है ना, मगर ये भी तो देखो स्टूडेंट्स ब्रेक भी तो है, तो यही तो ब्रेक का मेन काम है। आप लूप को बीच में रोकना चाहते हो, टर्मिनेट करना चाहते हो बीच प्रोसेस में, तो आप ब्रेक लगाते हो। होप सभी को ब्रेक का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रेक क्या है और कैसे चलता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी दूसरी जंप स्टेटमेंट पे, दैट इज कंटिन्यू, इसे कमेंट कर देते हैं हम। सेकंड जंप स्टेटमेंट इज कंटिन्यू, अब स्टूडेंट जिसको ब्रेक आ जाता है ना समझ, उसके लिए कंटिन्यू समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से समझ जाता है वो। पहले कंटिन्यू के बारे में लिख लो, एक मिनट थोड़ा मैंने स्क्रॉल नीचे कर दूं, द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इज अनदर जंप स्टेटमेंट लाइक ब्रेक, बट इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग टर्मिनेशन इट फोर्सेस नेक्स्ट आइटरेशन आइटरेशन ऑफ द लूप। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? भाई डेफिनेशन तो ये कहती है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट भी एक दूसरी जंप स्टेटमेंट है, ब्रेक की तरह ही है ये भी, बट ब्रेक में क्या होता था कि वो लूप को टर्मिनेट कर देता था, वो फोर्स करता था कि लूप बंद हो जाए,
मगर ये क्या करता है, फोर्स करने के बजाय लूप की अगली आइट्रेशन पे वहीं से पहुंचा देता है, वहीं से लूप की अगली आइट्रेशन पे पहुंचा देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं पहले इससे वही रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर कोडिंग से समझाऊंगा। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में हम एक काम करते हैं कि वही रेस पकड़ लेते हैं जो हमने पीछे पकड़ी थी अभी, कौन सी, ब्रेक स्टेटमेंट के टाइम पे। सेम रेस, 1600 मीटर की रेस है, बीच में हर्डल्स लगे हुए हैं, ठीक है, आपको स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक कंप्लीट करना है। और ब्रेक में रूल, अगर आपको याद हो मैंने जब ब्रेक बताया था तो ये बोला था कि अगर एक भी हर्डल गलती से गिरा, चाहे वो पहले ही क्यों ना गिर जाए, दूसरा ही क्यों ना गिरे, जो भी गिरेगा, हर्डल गिरते ही आप रेस से डिस्क्वालिफाई हो जाओगे, बाहर हो जाओगे, मतलब लूप से बाहर निकल आते हो आप। ब्रेक पड़ते ही लूप टर्मिनेट होता है और लूप से बाहर निकल आते हो। सेम केस, हर्डल गिरते ही आप रेस से बाहर निकल आओगे, और जितने हर्डल आप जंप करोगे उतना पॉइंट आपका काउंट होगा। सेम केस कंटिन्यू को लेके चलते हैं। कंटिन्यू क्या करता है, अगर वही रेस में मैं रूल थोड़ा सा चेंज करूं, मैं ये कहूं कि जब आप कोई हर्डल गिराओगे उस हर्डल का पॉइंट आपको काउंट नहीं होगा, फिर आगे वाली हर्डल को आप मूव करोगे। मतलब आप रेस स्टार्ट करते हो, हर्डल वन को जंप कर लेते हो, आपका एक पॉइंट हो गया, दूसरे को जंप करते हो दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरे को जंप करते हो तीसरा पॉइंट हो गया, चौथे को अगर आप जंप करते हो और चौथा गिर जाता है आपसे, तो चौथे का पॉइंट आपको माना ही नहीं जाएगा, अज्यूम ही नहीं करा जाएगा कि फोर्थ कुछ था भी, और अगली आइटरेशन आपकी, मतलब अगला वाला हर्डल आपका आप काउंटिंग होगी। मतलब फाइव को आप क्लियरली पास कर जाते हो तो फाइव काउंट में आ जाएगा, और फाइव पे भी हर्डल गिर जाता है तो वो भी नहीं गिना जाएगा, फिर आपको छठे पे जाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? तो मतलब यहाँ पे जहां पे कंटिन्यू मिलेगा वहीं से उस पॉइंट को नहीं गिना जाएगा, वहीं से लूप की अगली आइटरेशन मूव हो जाती है। जैसे आप लूप में चौथी बार चला रहे हो लूप को और कंटिन्यू मिल जाता है आपको, तो आप उसी टाइम लूप को फिफ्थ आइटरेशन पे मूव करा दोगे। कैसे, मैं आपको ब्रेक की एग्जाम्पल से इसे समझाता हूँ। ऊपर मैंने ये ब्रेक वाला ये क्वेश्चन लिखा था ना, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, देखो बहुत आसान हो जाएगा इससे समझना कोड। ये लिखा मैंने, अब बस इस कोड में ना ब्रेक की जगह मैं लिख देता हूँ कंटिन्यू, कंटिन्यू, और ऊपर भी ब्रेक की जगह मैं लिख देता हूँ कंटिन्यू। अब मेरे अकॉर्डिंग पहले इसका आंसर सुन लो भाई। कंटिन्यू के बारे में मैंने ये बताया कि भाई वो जैसे ही इनकाउंटर होता है लूप अपनी अगली आइटरेशन चल देता है। कैसे भाई, देखो द वर्किंग ऑफ कंटिन्यू इज लिखा हुआ आएगा, आ गया। आई की वैल्यू सबसे पहले वन बनी, वन बनी तो क्या वन थ्री से डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो देता है? नहीं देता, प्रिंट हो गया वन, क्योंकि इफ नहीं चला तो एल्स चला, आ गया। फिर टू बनी, भाई प्रिंट हो गया टू, क्योंकि वो भी थ्री से डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो नहीं देता। फिर थ्री बनी, आप देखते हो जैसे ही थ्री बनी तो थ्री देखते ही थ्री थ्री से डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो दे देता है, कंटिन्यू पढ़ लिया, और कंटिन्यू पढ़ते ही लूप अपनी अगली आइटरेशन चला देगा, दैट इज आई की वैल्यू थ्री से फोर बन जाएगी। मतलब सर थ्री प्रिंट नहीं होगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ लिया ना कोड ने, और कंटिन्यू पढ़ते ही लूप अपनी अगली आइटरेशन पे चला जाता है, दैट इज आई की वैल्यू थ्री से हो गई फोर। अब फोर पे आते हैं, फोर थ्री से डिवाइड होकर रिमाइंडर देता है? नहीं, नहीं देता तो प्रिंट हो जाएगा। फाइव भी नहीं देता, प्रिंट हो जाएगा, मगर जैसे ही सिक्स आएगा, सिक्स फिर से देता है कंटिन्यू, वो फिर इग्नोर होगा और सेवन पे चला जाएगा। तो मतलब इसका आंसर होगा 1 2 4 5 7 8, 1 2 4 5 7 8 10, और फिर उसके बाद प्रिंट। रन करके देखें, देखते हैं, सेव कर लेते हैं पहले। कंटिन्यू ने अल्टीमेटली यही करा है कि भाई उसने जब भी कोई ऐसा केस आ रहा है जिसमें कंटिन्यू पढ़ दिया जा रहा है, तो वो उसी कंटिन्यू से वहीं से सीधा लूप की अगली आइटरेशन पे मूव कर जा रहा है, तो इस वजह से हमारा नंबर प्रिंट नहीं हो पा रहा। और आप देखो आउटपुट है द वर्किंग ऑफ कंटिन्यू इज 1 2 4 5 7 8 10। तो होप सभी को कंटिन्यू स्टेटमेंट भी क्लियर हो गई कि ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या है। ब्रेक लूप को टर्मिनेट करता है, कंटिन्यू लूप की नेक्स्ट आइटरेशन शुरू कर देता है। ठीक, अब बस एक स्टेटमेंट रह गई हमारी पास। भाई पास ना बहुत अनयूज स्टेटमेंट है तो ये जंप स्टेटमेंट का ही पार्ट, मगर इसका यूज ना बहुत कम है। उसकी एक वजह है क्या, इस स्टेटमेंट को ना नो ऑपरेशन स्टेटमेंट बोला जाता है। नो ऑपरेशन स्टेटमेंट मतलब जब आपको कोई काम नहीं कराना होता ना, तो आप उसकी जगह पास लिख देते हो। तो सर जब हमें कोई काम कराना ही नहीं है तो उसका केस ही क्यों बनाएंगे हम? तो भाई सही बात है कि हमें अगर कुछ काम नहीं कराना किसी चीज में तो उसका केस, तो पास का देखो मेजर काम यह है कि आपको लगता है कि आगे मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, मगर अभी आपको उसकी बॉडी नहीं पता कि उसमें क्या बनाना है आपको। ठीक, तो आप ना उसमें क्या करते हो कि उसका डेफिनेशन तो दे देते हो मगर उसमें पास लिख के छोड़ देते हो। जनरली इसका काम ना फंक्शन में होता है, जैसे कि मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ, एक प्रोजेक्ट में मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये काम करो, एक बैंकिंग का प्रोजेक्ट बोलता हूँ जिसमें बोलता हूँ अमाउंट विड्रॉल हो, अमाउंट ऐड हो, और अकाउंट नंबर जनरेट हो, एटीएम का पिन जनरेट हो, ठीक है।
तो आपको लगता है कि यार इसमें एक मॉड्यूल सर हमें मुझे बताना भूल गए हैं, मुझे लगता है कि ये मॉड्यूल भी होना चाहिए जिसमें हम केवाईसी अपडेट करते हैं, एक ऐसा मॉड्यूल भी। तो आपको अभी मैंने बोला नहीं, आप श्योर हो नहीं कि केवाईसी रखना भी है कि नहीं रखना, मगर आपको लगता है कि यार केवाईसी होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस फंक्शन को बना के, उसकी बॉडी नहीं बनाओगे, बस उस फंक्शन को डिक्लेयर करके डेफ केवाईसी, और आप पास लिख के उसमें छोड़ दोगे। क्यों ऐसे छोड़ दोगे कि भाई मुझे आगे फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसकी बॉडी बना लूंगा, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं पास लिख के छोड़ देता हूँ। तो पास का काम इतना ही है कि अगर आपको कोई भी चीज ऐसी करनी है कि जहां पे आप चाहते हो कि भाई ये काम ना हो, तो वहां पे आप पास लगा देते हो। कैसे, मैं इसको भी एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, पास के बारे में लिख लेते हैं। द पास इज अ जंप स्टेटमेंट विच इज यूज व्हेन यू डू नॉट वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन नहीं करानी, आपका मन नहीं है या आपको जरूरत नहीं है उसे कराने की, तो आप पास का यूज कर दोगे। जैसे वही कोड मैं कॉपी करता हूँ, ऊपर वाला कंटिन्यू वाला, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ कि भाई जब भी मेरा नंबर इवन होगा, जब भी मेरा नंबर क्या होगा, इवन होगा, तो उस सिचुएशन पे मैं कुछ नहीं करना चाहता, तो मैं पास लिख देता हूँ, ठीक है। अब इससे होगा क्या, मैं रन करके दिखाता हूँ, वर्किंग ऑफ पासेस, रन करके दिखाता हूँ। भाई ये ना, जब भी कोई नंबर इवन आएगा ना, तो आप इफ में पास लिख रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कराना चाहते, लूप अपने आप ही नीचे तक चेकिंग वेकिंग करा के ऊपर वापस घूम जाएगा। पास एक नो ऑपरेशन स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आप पास का कोई खास मेजर यूज नहीं है, आप अगर सिर्फ इतना ही जान लो कि पास होता क्या है कि भाई हमें अगर कहीं पे कोई काम नहीं कराना तो बस उसकी जगह पास लिख देंगे हम, तो उतना ही आपके लिए इनफ है। इतना कोई बहुत मेजर ऐसा नहीं कि पास हमें नहीं आता होगा तो आगे पाइथन में हमें बड़ी दिक्कत आने वाली है। हाँ, ब्रेक कंटिन्यू का बहुत मेजर यूज है, इसलिए मैंने उनको डिटेल समझाया। इसको भी देख लो भाई, जितने भी इवन नंबर है उस टाइम पे आप कुछ नहीं कराना चाहते, तो कोड अपने आप ही उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। देख लो भाई, हम आउटपुट रन करते हैं, आप चेक करते हो कि भाई देखो द वर्किंग ऑफ पासिस, जितने भी इवन नंबर उनको उनको इग्नोर किया गया है, बाकी एल्स में ये ऑड नंबर प्रिंट हुए हैं और नाम चलता गया है, ठीक है। तो होप सभी को तीनों जंप स्टेटमेंट्स क्लियर हुई स्टूडेंट्स, ठीक है। तीन जंप स्टेटमेंट्स थी, ब्रेक कंटिन्यू और पास, जिसमें से मेजर जो यूज है वो ब्रेक और कंटिन्यू का, ब्रेक का तो बहुत ही बड़ा यूज है, ठीक है। होप आज का लेक्चर सभी को क्लियर था, तीनों जंप स्टेटमेंट सभी को क्लियर। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट डाल देना अगर कोई डाउट रह जाता है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।